गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। इसमें आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 64/10, इसमें आपको क्वोशेंट भी फाइंड करना है एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है, ठीक है। आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए 143/10, ठीक है, 143/10 आपको इस तरह से प्रॉपरली कॉपी में सॉल्व करना है। आपकी पहले डायरेक्टली बुक में नहीं करना है, इसको कॉपी में भी करना है। 10 1 तो डिवाइड होगा नहीं 10 से, बिकॉज 1 इज लेस देन 10, सो हम क्या लेंगे 1 एंड 4, 14 हो गया अब ये, तो 10 1 10, 10 अब 4 में से 0 गए, कितने बचे 4, 1 माइनस 1 0। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ 3, तो इट बिकम्स 43। नाउ 10 4 40, सो रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या आया है 3, एंड क्वेश्चेंट क्या आया है हमारा, जो ऊपर जो आंसर आता है ना डिवाइड करने के बाद, वो क्या कहलाता है, क्वेश्चेंट। तो क्वेश्चेंट क्या आया है हमारा 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चेंट क्या निकला है 14 एंड रिमाइंडर इज 3, और यही आपको अपनी बुक में भी फील करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3254/10। अब 3 तो डिवाइड कर नहीं सकते 10 से, बिकॉज 3 इज लेस देन 10, सो हम क्या लेंगे, 3 के पास में कौन सा नंबर है 2, अब इन दोनों को मिक्स करके हम क्या पढ़ेंगे 32। नाउ 10 3 30, सो 32 माइनस 30 इक्वल्स टू 2। अब क्या लिखेंगे हम, ऊपर से 5 लिखेंगे, अब इन दोनों को मिक्स करके क्या पढ़ेंगे हम 25। नाउ 10 2 20, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5, अब हम क्या लेंगे ऊपर से 4, इट बिकम्स 54। नाउ 10 5 इज 50, 54 माइनस 50 गिव्स 4, सो आवर क्वेश्चेंट इज 325। क्वेश्चेंट क्या निकला हमारा, डिवाइड करने पे आंसर जो होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चेंट। क्वेश्चेंट क्या निकला है 325, एंड रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर क्या निकला है 4। अब आपको लिखना है ऐसे प्रॉपरली कॉपी में, क्वेश्चेंट इक्वल्स टू 325 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 4। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो एक्सरसाइज के, ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, द डिजिट इन द वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है इज द रिमाइंडर, वही क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। देखिए 10 से हमने 10 किसको डिवाइड किया है, हमने 64 को करना है, ठीक है। ये प्लेस कौन सी होती है, वंस एंड टेंस, ठीक है, पीछे वाली वंस आगे वाली टेंस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि द डिजिट इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है इज द रिमाइंडर, वही क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। तो आर क्या निकलेगा हमारा 4, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी आपको कॉपी में पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट फ्रॉम द क्वेश्चेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 64/10, अब क्वेश्चेंट क्या कहलाएगा, जो भी डिजिट बची है वंस, वंस की डिजिट निकलने के बाद वो हमारा क्वेश्चेंट कहलाएगा। तो वंस की डिजिट जब हमने रिमाइंडर में लिख लिया, तो अब कौन सी कितना बचा है, क्या बचा है यहाँ पर 6, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चेंट। और अब जब अगर आप डिवाइड भी करेंगे कॉपी में, तब भी आपको आंसर में क्या मिलेगा, क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चेंट इक्वल्स टू 6 एंड आर मतलब रिमाइंडर इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 930/10, इसमें क्वेश्चेंट क्या निकलेगा, पहले देखो रिमाइंडर क्या निकलेगा, जो वंस की प्लेस पर है, और वंस की प्लेस पर कौन है 0, तो 0 इज रिमाइंडर। और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या बची थी, कौन सी डिजिट बची है 93, तो 93 इज आवर क्वेश्चेंट, अंडरस्टूड। 4320/10, तो इसमें रिमाइंडर क्या है, वंस प्लेस पर जो है, वंस प्लेस पर है 0, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 एंड क्वेश्चेंट 432, जो बचा है वो क्या निकलेगा पूरा क्वेश्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 463/10, तो क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर क्या निकलेगा, लास्ट में जो कौन सा है वंस की प्लेस पर 3, सो रिमाइंडर इज 3 एंड क्वेश्चन क्यू इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1209/10, अब लास्ट पे कौन सी डिजिट है वंस की प्लेस पर 9, सो आर इक्वल्स टू 9
एंड अब बचा जो है 120, क्यू मतलब क्वेश्चन इक्वल्स टू 120, 89 डिवाइडेड बाय 10, वंस की प्लेस पर कौन है 9, सो रिमाइंडर इज 9 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट मीन्स 8, अब कौन सी डिजिट बची 8, तो क्वेश्चन क्यू इक्वल्स टू 8, ओके स्टूडेंट राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी एंड इन बुक बोथ इन ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, थैंक यू।